के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोख में मारी गई बेटियों को मिला मोक्ष का अधिकार, सामाजिक संस्था आगमन ने किया विशेष अनुष्ठान। 19 दिनों तक शांत रहने के बाद गंगा के जलस्तर में फिर से बढ़ाव शुरू, घाटों का संपर्क मार्ग हुआ जलमग्न। ऑनलाइन परीक्षा कराए जाने की मांग को लेकर बीएचयू के छात्रों का सेंट्रल ऑफिस पर प्रदर्शन। और 9 सूत्रीय मांगों को लेकर जन अधिकार पार्टी के लोगों ने शास्त्री घाट पर दिया धरना। और अब खबरें विस्तार से। काशी में सामाजिक संस्था आगमन ने विशेष अनुष्ठान कर उन बेटियों को मोक्ष दिलाया जो जन्म से पहले ही कोख में मार दी गई। काशी मोक्ष की नगरी है और यहाँ श्राद्ध तर्पण की मान्यता की वजह से आस्थावान भी खूब आते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध सहित तमाम आयोजन काशी में पिशाच मोचन सहित प्रमुख गंगा घाटों पर आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में काशी में अजन्मी बेटियों के लिए श्राद्ध किया गया। दरअसल कोख में ही कन्या होने की वजह से, भ्रूण हत्या करने की वजह से बच्चियों की मौत होने की जानकारी के बाद से ही काशी में ऐसी अजन्मी बच्चियों के लिए श्राद्ध और तर्पण का आयोजन पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है। इसी कड़ी में मातृनवमी के मौके पर काशी में सोमवार को सामाजिक संस्था आगमन की ओर से सिर्फ कन्या होने के अपराध से मां की कोख में ही मार दी गई बच्चियों की आत्मा की शांति के लिए ही दशाश्वमेध घाट पर श्राद्ध तर्पण का कार्यक्रम किया गया। इसके तहत 13,000 हस्त प्राण कन्या भ्रूण का श्राद्ध तर्पण किया गया। संस्था बीते 6 वर्षों में 53,000 अजन्मी शिशु बालाओं का पिंडदान कर चुकी है। इस श्रद्धा यज्ञ में 2 दर्जन से अधिक ऐसी माताएं भी शामिल हैं जिन्होंने घर वालों के दबाव में अनिच्छित गर्भपात कराया था। नवमी है पितृपक्ष का मातृनवमी, इस तिथि को मातृ के लिए समर्पित होता है, मातृपक्ष के लिए समर्पित होता है। और यही वजह है कि आज हम लोग उन अजन्मी कन्याओं के लिए मोक्ष की कामना करते हैं जिन्हें जिनके परिजनों द्वारा उन्हीं के पेट में मारा गया। हमारे लोग को संस्था की पूरे टीम का ये मानना है कि ये बेटियां जन्म लेने का अधिकार तो नहीं दिया गया, जन्म नहीं ले पाई, लेकिन उन्हें मोक्ष की कामना करना चाहिए, मोक्ष का अधिकार दिया जाए। यदि शास्त्र मत की बात करें तो शास्त्र ये कहता है कि जब ये बेटियां बड़ी होती हैं या ये कहा जाए कि उम्र उनकी बढ़ती है तो वो घर में परेशानी की सबब बनती है, कारण बनती है। तमाम परेशानियां जो हैं वो निश्चित तौर पे वो है जो घर में एक छोटे ऑपरेशन के रूप में लिया जाता है, लेकिन सही मायने में वो ऑपरेशन नहीं, वो हत्या है, जीव हत्या है। और यही वजह है कि इस जीव हत्या के निदान के लिए या यह कहा जाए कि समाज के भलाई के लिए, लोगों को एक मैसेज देने के लिए कि भ्रूण हत्या गलत है, नहीं करना चाहिए, हम लोग हर साल त्रिपिंडी करते हैं, श्राद्ध करते हैं और इस साल 13,000 की संख्या में एक बार फिर हम लोग श्राद्ध कर रहे हैं। परीक्षा की समय सारिणी के विरोध में बीएचयू के छात्रों का सेंट्रल ऑफिस पर प्रदर्शन हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय कला संकाय के छात्रों ने आज सेंट्रल ऑफिस के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। लगभग 200 की संख्या में छात्रों ने सेंट्रल ऑफिस के गेट पर नारेबाजी करते हुए कहा कि हमारा सेमेस्टर आधा अधूरा पढ़ाकर पूरा कर लिया गया। उसके बाद संकाय द्वारा परीक्षा के समय सारिणी भी घोषित कर दी गई। वहीं छात्र का यह भी आरोप है कि परीक्षा के दौरान एक भी दिन का गैप नहीं है, हमें पढ़ने का मौका भी नहीं मिला है। धरना प्रदर्शन करते हुए छात्र जब सेंटर ऑफिस से पहुंचे तो उनको सुरक्षा गार्डों ने अंदर जाने से रोक लिया, जिससे छात्र और भी भड़क गए और वहीं पर बैठकर धरना प्रदर्शन करने लगे। छात्रों ने एक मांग की थी कि परीक्षा ऑनलाइन कराई जाए। धरना प्रदर्शन के दौरान एक छात्र बेहोश हो गया जिसे लेकर तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया। और सारी एग्जाम के बीच एक छह महीना का सेमेस्टर 2 महीने से 2.5 महीने में कंप्लीट भी नहीं हुआ है, प्रीवियस ईयर का रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं हुआ है और यहाँ पे एग्जाम के लिए हो गई और एक दिन की भी गैप नहीं है। आज हिंदी की है, कल साइकोलॉजी की है, एक क्वालिटी पेपर की आज है, कल क्वालिटी की पेपर है। बच्चे कैसे देंगे ऐसे में एग्जाम? हम लोग की मांग यही है, या तो डेट एक्सटेंड कीजिए, 20 दिन हम लोग को 25 दिन के और समय दीजिए और हर पेपर पे 3 दिन की गैप देनी होगी। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर जन अधिकार पार्टी का शास्त्रीय घाट पर धरना प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन के दौरान हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि जातिगत जनगणना भागीदारी का आधार है और भागीदारी हमारा अधिकार है, इसलिए जन अधिकार पार्टी प्रदेश में जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग करती है कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय संपत्तियों को निजी क्षेत्र की कंपनियां उद्योगपतियों के दाम पर बेच रही हैं, इससे राष्ट्र की अपूर्णीय क्षति हो रही है।
इसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए। पेट्रोल डीजल पर टैक्स को केंद्र सरकार कम करे, पेट्रोल डीजल सस्ता हो सके और जानवर की तरह पिछड़े वर्ग के छात्रों को भी प्रदान किया जाए। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं शास्त्री घाट पर प्रदर्शन के दौरान 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी ACM फर्स्ट को सौंपे। प्रदर्शन करने वालों में जयराम भारतीय, शकील अहमद, गुलाब चंद मौर्य, राजेंद्र प्रसाद मौर्य, दुर्गा प्रसाद मौर्य, लालजी प्रसाद मौर्य आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम धरना देने का जो हमारा प्रमुख वजह है कि हम सरकार से यह मांग करते हैं कि हमारी जाति जनगणना कराना है। देश में पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि की जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा जो अधिरोपित टैक्स है उसे तत्काल वापस लिया जाए, किसानों के गन्ना मूल्य का तत्काल भुगतान किया जाए, सामान्य वर्ग की तरह पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं की भी फीस मूल्य वृद्धि और छात्रवृत्ति उन्हें भी प्रदान की जाए। चर्चित PNU क्लब के चुनाव को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। अध्यक्ष अशोक वर्मा ने कहा है कि रजिस्ट्रार का आदेश स्पष्ट नहीं है, 25 सितंबर को ही चुनाव होगा। प्रभु नारायण यूनियन क्लब, जिसे PNU क्लब के नाम से भी जाना जाता है, कि चुनाव को लेकर ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। एक तरफ रजिस्ट्रार ने क्लब को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि मतदाता सूची फाइनल होने तक चुनाव अगर कराया तो यह अवैध होगा। दूसरी तरफ क्लब के अध्यक्ष अशोक वर्मा और पूर्व अध्यक्ष रमेश किनोडिया ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि रजिस्ट्रार का पत्र स्पष्ट नहीं है, इसमें यह कहीं नहीं लिखा है कि चुनाव स्थगित कर दिया जाए, बल्कि हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि चुनाव होना चाहिए। उन्होंने बताया कि चुनाव 944 वर्तमान सदस्यों की मतदाता सूची के आधार पर होगा। कमेटी द्वारा 25 तारीख इलेक्शन की घोषणा की जा चुकी थी, इसलिए 10 सितंबर को, और 10 सितंबर से सूचना जारी हो गई, चुनाव अधिकारी की नियुक्ति हो गई और उसी क्रम में सारी लिस्ट आप लोग देख रहे हैं चुकी है। और एक राइट कल एक परसों एक लेटर आया शनिवार को कि सहायक निबंधक जी की आपसे कि ये विधि सम्मत नहीं है, लेकिन उन्होंने किसी भी न्यायालय द्वारा या किसी भी अधिकारी द्वारा चुनाव पे भी कोई रोक नहीं है, इसलिए हम पूर्व घोषित कार्यक्रम को जारी रखते हुए चुनाव प्रक्रिया में लेटर दिया सहायक निबंधक धर्म सोसाइटी और चीफ, उनका लेटर दिया लेकिन उन्होंने कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिया। कुछ लोग भ्रमित कर लोगों को अधिकारियों को, यहाँ हमारे जिले के अधिकारी बहुत अच्छे लेकिन कुछ लोग उनको भ्रमित कर रहे हैं, भ्रमित करने का प्रयास कर, लेकिन ऐसा कोई भी रोक का आदेश नहीं है। तो जब तक कोई डायरेक्ट रोक का आदेश नहीं होता तब तक हम लोग चुनाव को नहीं रोकेंगे। 20 को नामिनेशन, 21 को नाम वापसी और 25 को मतगणना, उसी के बाद यहाँ पे मतगणना के बाद गिनती शुरू होगी और चुनाव परिणाम की घोषणा होगी। कितने लोग भाग ले रहे हैं? 944। परसों के पेपर में निकला कि PNU क्लब का चुनाव रोक रहे हैं, इसी का स्पष्टीकरण करने के लिए आज वार्ता बुलाई गई और सबको दिखाया गया जो आदेश जिसके तहत अखबार में छपा था कि रोक लगी है, ऐसा कोई भी आदेश कहीं शब्द नहीं लिखा है कि रोक लगाई है। हम लोग कार्यकाल 25 को समाप्त हो रहा है, इसलिए 25 को चुनाव करा, किसी भी तरह का रोक का कोई आदेश हमें नहीं प्राप्त हुआ है और अगर प्राप्त होगा हम तुरंत रोक लगा देंगे। बात की जाए सर, तो लगातार जिस तरह से रोक लगाने पर अफवाह उड़ रही है, तो आप लोग इसके लिए क्या ज्ञापन वगैरह कुछ दिए हैं? हम लोग ने जैसे रोक का आदेश मिला 17 तारीख का शनिवार था, आज 83 पन्नों में उसका जवाब लगा दिया रजिस्ट्रार साहब को, आपको भी दिया दिखाया है और उसमें भी स्पष्ट किया है कि रोक सर नहीं है, अगर रोक लगाना था स्पष्ट आदेश के लिए। तो चुनाव के लिए क्या तिथि निर्धारित हुई है कि 25 तारीख निर्धारित है चुनाव प्रक्रिया चालू हुई है? 20 को नामिनेशन, 21 को नाम वापसी, 20 से चालू हो जाएगी नामांकन और 25 को चुनाव के समाप्त होगी। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ शिक्षित महिला, समृद्ध समाज, आधुनिक शिक्षा, भारतीय सभ्यता, यही है पहचान धीरेन्द्र महिला PG कॉलेज की। NAC एक्रेडिटेड, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध। एडमिशन ओपन फॉर BBA, BCA, BA, BCom, BSc, BFA, BMuse, BTC, DLED and B.Ed, B.P.Ed, Bachelor of Library Science, B.A, Mass Comm and M.A, M.Comm and M.F.A. Wi-Fi equipped, rich library, state-of-the-art computer lab. Our 10 gold medalists and merit holders of the university, NCC, safe transportation. For more details, contact Dhirendra Mahila, PG College, Karmajitpur, Sundarpur, Varanasi. PMC Hospital, Habitat for Humanity. डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से PMC हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से PMC हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है।
पीएमसी हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। पीएमसी हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू, आईसीसीयू की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी वाराणसी। पीएमसी हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1,00,000 से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएँ प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएँ आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन बिहाइंड दुर्गाकुंड वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542-2310155 और कॉल 8808960005। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। 9 दिनों तक शांत रहने के पश्चात गंगा एक बार फिर बढ़ाव की ओर अग्रसर हो रही है, जिससे घाटों का संपर्क मार्ग फिर से जलमग्न हुआ है। बीते सप्ताह लगातार पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हुई झमाझम बरसात के बाद अब गंगा का जलस्तर दोबारा बढ़ने लगा है। कई प्रमुख बांधों से पूर्व में भी पानी छोड़े जाने की वजह से गंगा का पानी दोबारा बढ़ने के साथ ही तटवर्ती इलाकों में लोगों की चिंता बढ़ी हुई है। सोमवार की सुबह गंगा का जलस्तर 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की गति से बढ़ने लगा तो चिंता तटवर्ती इलाकों में दोबारा शुरू हो गया है। बीते 24 घंटे में 1.5 मीटर तक गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है। वहीं तटवर्ती इलाकों में पानी भरने की संभावना दोबारा बलवती हो गई है। फिर गंगा का जलस्तर बढ़ने से लोगों की धुकधुकी भी बढ़ चली है, क्योंकि दोबारा अब गंगा के सभी घाटों का आपसी संपर्क टूट चुका है। वहीं भदोही में भी लगातार हो रही बारिश से सोमवार को एक बार फिर जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई। सिंचाई विभाग की रीडिंग के अनुसार 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जल का स्तर बढ़ रहा है। सुबह तक 73.180 मीटर पर जलस्तर की रीडिंग दर्ज की गई। जलस्तर में तीव्र वृद्धि को देखते हुए तटवर्तियों की धड़कन बढ़ गई है। अगस्त में गंगा के जल स्तर में वृद्धि हुई थी। यह वृद्धि डैम से पानी छोड़ने के कारण हुई थी। 2-3 दिन बाद अचानक गंगा में घटाव हो गया। गंगा के जलस्तर कम होने से तटवासियों ने राहत की सांस ली थी। इधर 3 दिन से हो रही लगातार बारिश से एक बार फिर जलस्तर में अचानक वृद्धि हो गई है। सिंचाई विभाग की रीडिंग के अनुसार सोमवार को सुबह 7 बजे तक की गई रीडिंग के अनुसार अभी गंगा खतरे के निशान से 4 मीटर नीचे बह रही है। गंगा के जलस्तर में फिर से आए बढ़ाव को देखते हुए घाट किनारे के पुरोहित और नाविक समाज के लोगों में चिंता व्याप्त हो गई है। इनका मानना है कि यदि गंगा फिर से खतरे के निशान के करीब पहुंचती है तो हम लोगों के समक्ष भूखमरी की नौबत आ जाएगी, क्योंकि इस समय पितृपक्ष चल रहा है और देश विदेश से बड़ी संख्या में अपने पूर्वजों के श्राद्ध हेतु काशी के गंगा घाटों पर लोग आते हैं। ऐसे में उनका आना बंद हो जाएगा। ताकि पिछला भी जो बाढ़ आया था रोड तक गया था, उसके बाद तो पानी एकदम घट गया था, लेकिन पिछले 24 घंटों में निरंतर गंगा का जलस्तर बढ़ते हुए इस समय 6.5 से 7 फीट बढ़ चुका है 24 घंटे में पानी। अगर यही रफ्तार रहा तो आने वाले समय बड़ा विकट स्थिति हो जाएगी। तो फिर से जो घाटों की रास्ते खुले हुए थे सब बंद पड़ गए, जो नावें अभी 4 दिन पहले चालू हुई थी, हो सकता है पानी बढ़ने के बाद वो भी बंद हो जाए, तो फिर से एक कठिनाइयों का दौर आ चुका है। फिर घाटों का संपर्क टूट गया, संपर्क तो पूरी तरीके से टूट चुका है, क्योंकि यहाँ पानी आने मतलब जो 2-4 घाट पे आने जाने का राजमार्ग था वो भी बंद पड़ गया। अहम सवाल है,
घाट के किनारे कई लोगों की रोजी रोटी चलती है, कितना असर पड़ता है? आप देख सकते हैं पितृपक्ष में जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको भी बाढ़ का सूचना होने के कारण वो भी अब नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ के आजीविका की साधन जो थे ब्राह्मण पुरोहित या नाविक, इनका सबका गंगा जी से भरण पोषण होता है। निश्चित रूप से जो ये पितृपक्ष का ये महीना आखिरी 5-7 दिन जो बचे हुए हैं, लोगों को बहुत उम्मीद और आस थी कि बहुत दूर दूर से लोग आएंगे, लेकिन इन बाढ़ को देखते हुए बहुत से लोग आना अपना रद्द भी कर सकते हैं। सोरहिया मेले के बाद लक्ष्मी कुंड पर बिखरे पूजा सामग्री को कुंड से निकालकर सफाई करने नमामि गंगे की टीम पहुंची। काशी के पौराणिक कुंडों, तालाबों, पोखरों, सरोवरों के संरक्षण की अपील के साथ नमामि गंगे के सदस्यों ने जीवित पुत्रिका व्रत सोरहिया मेले के बाद लक्ष्मी कुंड में इधर उधर बिखरे निर्माल्य एवं सामग्रियों को बटोरकर नगर निगम की कूड़ा गाड़ी के हवाले किया। केमिकल युक्त मूर्तियों को कुंड से बाहर निकाला। जल संरक्षण के आग्रह के बीच लक्ष्मी कुंड के आसपास नगर निगम के कर्मचारियों के सहयोग से सफाई की। कुंड की सफाई के पूर्व सदस्यों ने नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला के नेतृत्व में माता लक्ष्मी की आरती उतारी। माता लक्ष्मी से खुशहाल, आत्मनिर्भर, आरोग्य और समृद्धिपूर्ण भारत की कामना की। संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि सनातनी संस्कृति के जन्म से लेकर मृत्यु तक के आयोजन पवित्र नदियों, कुंडों, तालाबों, पोखरों और सरोवर के किनारे होते हैं। हमारे जीवन में जल की महत्ता को समझकर स्वच्छता की जिम्मेदारी का निर्वहन भी हमें स्वयं को करना होगा। पवित्र नदियों, जलाशयों के किनारे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन के बाद बचे हुए निर्माल्य व सामग्रियों को हम छोड़कर न जाएं, जिससे कि इनके किनारे गंदगी का अंबार न लगे। आयोजन में प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर सह संयोजिका बीना गुप्ता, पूजा मौर्य, दिवाकर तिवारी, शांति जायसवाल, नगर निगम के सफाई कर्मचारी शिवराज, मधु, किरण, बनारसी बाबू, विजय आदि शामिल रहे। हमारी सनातनी संस्कृति में जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी पवित्र नदियों, जलाशयों, कुंडों, तालाबों, सरोवरों के तट पर हम अपने धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान करते हैं, और जब यह जल की इतनी महत्ता है कि हम अपने सारे जो पारंपरिक त्यौहार हैं वो जल के किनारे मनाते हैं, तो हमारा भी उत्तरदायित्व बनता है कि हम इस जल को के किनारे को गंदा न करें। और इसी निमित्त हमने नमामि गंगे की ओर से यहाँ आज सोरहिया मेला के बाद, जबकि इधर उधर कई प्रकार की गंदगी बिखरी पड़ी है, स्वच्छता अभियान चलाकर हम सबको स्वच्छता का संदेश देना चाहते हैं। रासपा के संयोजक शशि प्रताप ने सुभासपा सुप्रीमो पर तंज कसते हुए गंभीर आरोप लगाए। राष्ट्रीय समता पार्टी के संयोजक शशि प्रताप सिंह ने ओम प्रकाश राजभर पर तीखा वार करते हुए कहा कि ओम प्रकाश राजभर राजभर समाज को ठगने का काम करते हैं। ऐसी पार्टी को हम काशी के पवित्र स्थल पर कार्यक्रम में सम्मिलित होने नहीं देंगे। हमारे कार्यकर्ता पूरी चुनौती के साथ 27 तारीख को काला झंडा देकर घेरने का काम करेंगे। मीडिया से बातचीत के दौरान खुला चुनौती देते हुए शशि प्रताप सिंह ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर सिर्फ परिवारवाद पार्टी रह चुकी है। इनकी पार्टी में सिर्फ माफिया जैसे लोग ही जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर को बनारस में घुसने नहीं देंगे। वहीं एक पोस्टर राष्ट्रीय समता पार्टी के द्वारा रिलीज किया जाने वाला है, जिसको लेकर शशि प्रताप ने सस्पेंस बनाते हुए कहा है कि कल सभी देखेंगे कि ओपी राजभर पर वो पोस्टर क्या है। ये सादी भोली भाली जनता जो उनके समाज की है, राजभर समाज को लूटने, बहकाने और शिकारी वाला जाल लेकर जो आ रहे हैं, उस जाल में फंसाने, उनको फंसने हम नहीं देंगे, अन्ना बनास में घुसने देंगे। सभा उनकी होगी, देखिए शासन और प्रशासन पुलिस के दम पर होगी, लेकिन शासन प्रशासन उनको मदद नहीं करेगा तो उनकी सभा भी नहीं होने देंगे हम। और कल आइएगा 12 बजे, देखिएगा, कल एक पोस्टर जारी करने जा रहा हूं मैं। उस पोस्टर को देखने के बाद ना पूरा प्रदेश जान जाएगा कि शशि प्रताप सिंह जो पोस्टर जारी किया वो 100% सही है, और सारे लोग मान जाएंगे कि यह पोस्टर सही है। और पोस्टर पर जो भी लिखा है वो कल आप लोगों को मैं बताऊंगा। अब पोस्टर में क्या रहेगा कल मैं बताऊंगा, देखिएगा। आप चेतावनी दे रहे हैं, पोस्टर के माध्यम से आप चेतावनी दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, चेतावनी नहीं चुनौती, और चेतावनी दे रहे हैं कि 27 तारीख को नहीं घुसने देंगे बनारस में। बड़ी गैबी के वीडियो कॉलोनी के पार्क के कथित भूत प्रेत वाले वायरल वीडियो को लेकर कॉलोनी वासी भयभीत हैं।
प्रशासन से जांच की मांग की गई है। शहर में इन दिनों वायरल हुआ एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल यह वायरल वीडियो भेलूपुर थाना अंतर्गत बड़ी गैबी के वीडीए कॉलोनी के पार्क का है, जिसमें रात के अंधेरे में एक साया टहलता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद इस कॉलोनी और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। लोग जहां इसे भूत प्रेत से जोड़कर देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसे किसी की शरारत भी मानी जा रही है। वजह चाहे जो भी हो, लोग अब पार्क में आने से कतरा रहे हैं और इसकी जांच की मांग की जा रही है, ताकि सच सामने आए और जो भी इस तरह की अफवाह फैलाकर लोगों को डरा रहा है वो बेनकाब हो सके। मैं वीडियो भी देखा गया, तो वीडियो भी प्लान करके डाला गया। पहले एक वीडियो आया जिसको आप देख के प्रथम दृष्टया कहेंगे कि कोई आकृति है, फिर एक दो दिन बाद दूसरा वीडियो आया कि वो आकृति टहल रही है। और कुछ बच्चों ने शुरू में कहा कि ये वीडियो हम लोगों ने बनाया है, बाद में ग्रुप में मैसेज किया जा रहा है कि वीडियो हम लोगों ने नहीं बनाया है, वीडियो बाहर के लोगों ने बनाया है। तो यहाँ पे भय का माहौल है, महिलाएं डर रही हैं पार्क में जाने के लिए, बच्चों को बुखार आ रहा है, बच्चों को रात में ठीक से नींद नहीं आ रही है। तो ये जो भी प्लान करके किया गया है, या परेशान करने के लिए किया गया, या मज़ा लेने के लिए किया गया, जो भी किया गया यह गलत है और हमारे बच्चों पे दुष्प्रभाव पड़ रहा है। हम लोगों ने कार्रवाई करने का मन बनाया है, हम लोगों ने एप्लीकेशन लिखा है और इस पर कार्रवाई करें। मामला क्या है अभी हम लोग कह भी नहीं सकते, क्योंकि मोहल्ले वाले इस भय से 3-4 दिन पहले हमारे मोहल्ले में सुबह सुबह कुछ लड़के जो रात को पार्क में थे या फिर अपने छत से ये वीडियो बनाए हैं और सुबह उठ के सबको डाला। उसके बाद तो 2 दिन तक तो मोहल्ले में बिल्कुल भय का माहौल है था, लेकिन उसके बाद हम लोग चाह रहे हैं कि पड़ताल हो कुछ लोगों का। धीरे धीरे हम लोग का ये आ रहा है कि उस बात पर पड़ताल हो कि कहीं ये बच्चों की शरारत तो नहीं है कि खुद से वीडियो बनाया हो, कोई ऐप डाउन नहीं हो। लेकिन अभी क्या है तो, लेकिन मोहल्ले वाले इतने डरे हुए हैं कि बच्चे रात को बाहर नहीं निकलते। पार्क आप देखिए बिल्कुल सुनसान है, ये 3 दिन से कोई भी यहाँ खेलने नहीं आ रहा, बच्चे रात को बाथरूम करने के लिए भी नहीं निकलना चाह रहे हैं। ये स्थिति और हम लोग को खुद ही डर लग रहा है जब रात को उठ रहे हैं और वो वीडियो दिमाग में घूम रहा है। तो अब हकीकत क्या है ये तो नहीं पता, पर यही हम मोहल्ले वाले अब FIR कर रहे हैं, सब कर रहे हैं कि इस चीज़ की पड़ताल हो, ताकि पुलिस वाले बाद में ना कहे कोई खतरा हो तो कि आप लोगों ने हमें बताया नहीं। बस अब यही है कि पड़ताल हो, सच्चाई क्या सामने हो, ताकि लोगों का भय निकले मन से। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत, नमस्कार। सच के साथ।